बिग बॉस के खत्म होने के बाद एल्विश यादव विनर बने, लेकिन बेबिका का एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें उन्होंने इस बात को साफ कर दिया कि वो ज़्यादा डिजर्विंग अभिषेक मल्हान यानी कि फुकरा इंसान को मानती थी। उन्होंने कहा वो शुरुआत से ही गेम में थे और काफ़ी अच्छा गेम खेल रहे थे, और जब वो फाइनल हारने के बाद हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो वो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई। उन्होंने कहा कि एक दिल से अटैचमेंट थी फुकरा के लिए। हालांकि बिग बॉस के घर में जब एल्विश आए तो उनकी फ़ैन फॉलोइंग के चलते भले ही वो बिग बॉस जीत गए हों, लेकिन मेरी नज़र में सच्चा जो डिज़र्विंग कैंडिडेट है वो अभिषेक मल्हानी था। बेबिका के इस इंटरव्यू ने वाकई में करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लिया, लेकिन आप सभी की क्या राय है? कौन था डिजर्विंग कैंडिडेट? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।